हेलो दोस्तों, मैं मोनू जसवाल एमजी बायोलॉजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एमजी बायोलॉजी पॉइंट। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो प्लांट रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नरजनन तंत्र के बारे में होगा। नरजनन तंत्र या पुंकेसर भी हम इसे कह सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पराकोष की संरचना यानी एंथर की स्ट्रक्चर का भी अध्ययन करेंगे। तो आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर होता क्या है? तो आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल फ्लावर की स्ट्रक्चर में देखें, उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पुंकेसर जो होता है वो पादप का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूनिट भी होती है, यानी ये पादप की नरजनन इकाई है। नरजनन तंत्र जिसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं, उस एंड्रोसियम की हम इसे यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी सिंगल है ये, तो इसे हम स्टामेन कहते हैं। ये स्टामेन यानी पुंकेसर जो होता है मेनली दो पार्ट से बना होता है, दो भागों में बना होता है। मतलब पहला पार्ट इसका फ्लामेंट है, ये फ्लामेंट एक पतला लंबा सिलेंडर शेप में होता है, और जो फ्लावर होता है उस फ्लावर पे ये सबसे नीचे थैलेमस यानी पुष्पासन से जुड़ा रहता है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है यानी ऊपरी किनारा जो होता है, उस ऊपरी किनारे पर पराकोष यानी एंथर होता है इसका सेकंड पार्ट, यानी पुंकेसर के दो पार्ट जो है, पहला फ्लामेंट और दूसरा एंथर। इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने वाले कुछ टिश्यू होते हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको दो पार्ट या कुछ बुक्स में तीन पार्ट मिलेंगे, यूजी को भी कुछ बुक्स वाले पार्ट में ही मान लेते हैं। हालांकि ये जो पराकोष होता है उस पराकोष में दो पालियां होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। इन दोनों पालियों को जोड़ने वाले ऊतक ही कनेक्टिव ऊतक होते हैं यानी संयोजी ऊतक होते हैं। तो ये तीन पार्ट आप बोल सकते हो, तीन पार्ट जो होते हैं पुंकेसर में। इस पुंकेसर में मेन जो होते हैं दो ही पालियां होती हैं, लेकिन मालवेसी कुल जो होता है उस मालवेसी कुल में केवल एक ही पाली होती है। ये आप याद रखें, अधिकतर कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि जो मालवेसी कुल होता है उस मालवेसी कुल में जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर में एक ही पराकोष यानी एक पालित ही होता है वो, और सभी में ये द्विपालित होता है। तो अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर यानी पराकोष का परिवर्धन, यानी पराकोष बनता कैसे है। तो जब पराकोष यानी एंथर यंग एज में होता है यानी अपरिपक्व होता है, तो उस दौरान उसके ऊपर एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा का एक आवरण होता है, और अंदर एक स्पेशल सेल का ग्रुप होता है जिन्हें अपन प्रपशु यानी आरसी स्पोरियम भी कहा जाता है। तो ये जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं आरसी स्पोरियम, ये बाह्य त्वचा से कवर्ड होती हैं, जैसे आपको डायग्राम ए में दिखाया हुआ है। उसके बाद जो आरसी स्पोरियम की सेल्स होती हैं उन सेल्स में मायोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पर कंटिन्यू मायोटिक डिवीजन होगा इसलिए मैं बार-बार नहीं बोलूंगा। तो ये जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन के थ्रू दो टाइप की सेल्स बनती हैं, यानी जो डिवीजन के थ्रू बाहर की ओर जो सेल की लेयर बनती है वो तो होती है पेराइटल टिश्यू यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, जबकि जो अंदर की ओर बनती है वो होती है स्पोरोजीनियस टिश्यू यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। तो अब प्रपशु जो आर्चिगोनियम स्पोरियम सेल्स हैं वो दो टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन तो उसकी होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी पेराइटल टिश्यू की, और जबकि अंदर वाली जो लेयर होती है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू की होती है। अब ये जो पेराइटल टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यू मायोटिक डिवीजन करते हैं और लगातार इनर साइड में यानी अंदर की ओर, सब इनर की ओर कंटिन्यू बोल रहा हूँ, पहले एंडोथीसियम यानी अंतस्थ त्वचा, उसके बाद मिडिल लेयर, मध्य परतें, और सबसे अंदर टेपिटम की लेयर बना लेती है। यानी अब चार लेयर बन चुकी हैं एंथर में। बाह्य त्वचा ऑलरेडी थी, बाह्य त्वचा के अंदर एंडोथीसियम बनी, एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर टेपिटम की लेयर फॉर्मेट हो जाती है। इस टेपिटम के अंदर की ओर यानी सबसे अंदर, तो इस तरह से एक एंथर कंप्लीट बन जाता है जिसमें दो, मैं जैसे क्या बताया था कि ये बाइलॉब्ड होता है यानी द्विपालित होता है, तो दो पालियां इसमें जो होती हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, इन दो पालियों में डेवलपमेंट के थ्रू चार माइक्रोस्पॉन्जिया यानी लघु बीजाणु धानियां बन जाती हैं, यानी हर पाली में हर लोब में दो होती हैं, तो इस तरह से टोटल चार बन जाती हैं।
ये जो चार लघु बीजाणु धानियां हैं माइक्रोस्पंजिया, इसके सबसे अंदर, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि वो पोलन मदर सेल्स बन जाती हैं, तो उन पोलन मदर सेल्स के थ्रू पोलन यानी परागकणों का निर्माण होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी आपको चित्र में दिखा रखी है सेकेंड नंबर वाले में, कि जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें चार लेयर होती हैं और सबसे इनर, सबसे अंदर बीजाणुजन कोशिकाएं यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है बाह्य त्वचा। ये जो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा जो है ये एक प्रोटेक्टिव की तरह वर्क करती है, यानी ये इस पूरी माइक्रोस्पंजिया को प्रोटेक्ट करती है, इसकी सुरक्षा करती है। इस ये सिंगल लेयर होती है, केवल एक ही इसकी पूरी लेयर होती है। बाह्य त्वचा के नीचे एंडोथीसियम यानी अंत त्वचा की लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन इसकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज शेप होती हैं, और साथ ही इसमें सेलुलोज के फाइबर्स भी होते हैं, सेलुलोज के रेशे होते हैं, और इसमें इसका जो नेचर है सेल्स का ये आर्द्रता ग्राही पे करती ही होती है, यानी इसमें मॉइस्चर नमी रहती है। ये जो पराकोष होता है एंथर, उसके स्फुटन में यानी फटने में काम आती है, वो आपको आगे बताया जाएगा। उसके बाद अंतः त्वचा के ठीक नीचे मध्य परत यानी मिडिल लेयर होती है। जो मिडिल लेयर होती है उसकी दो या तीन लेयर होती हैं, हालांकि इसका मोस्टली वर्क आज तक भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी एक तरह से न्यूट्रिशन में ही वर्क करती हैं। उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है टेपिटम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ये माइक्रोस्पंजिया की, याद रखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, टेपिटम से। तो ये जो टेपिटम है सबसे अंदर वाली लेयर है और ये न्यूट्रिशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यानी ये पोषण का कार्य करती हैं। जो माइक्रोस्पंजिया यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, वो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जब वो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं यानी माइक्रोस्पोर बनाती हैं, तो उस दौरान ये पोषण का कार्य करती हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। हालांकि इसके अलावा ये और भी वर्क करती हैं, जैसे इसे कैलेज एंजाइम निकलता है, इंडोलेसिटिक एसिड भी रिलीज होता है, इससे स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन के लिए भी सीक्रेशन होते हैं। इसके अलावा ये जो पोलन यानी परागकण होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन को बनाने में भी वर्क करती है, तो इसलिए ये टेपिटम बहुत ज्यादा है, मतलब इम्पोर्टेंट लेयर में मानी जाती है। और जो सबसे अंदर सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको यानी माइक्रोस्कोप, तो इस तरह से एक परिपक्व लघु बीजाणु धानी या एंथर बन जाता है। ये लघु बीजाणु धानी परिपक्व होने के पश्चात यानी माइक्रोस्पंजिया जब मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के पश्चात ये स्फुटित होती है, यानी इसमें जो परागण बने हैं, लघु बीजाणु बने हैं, वो परागण पोलेंस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इस क्रिया में इसकी जो एंडोथीसियम की लेयर होती है, अंत त्वचा की लेयर जो होती है वो वर्क करती है, वो हेल्पफुल होती है। जो एंडोथीसियम है मैंने आपको बताया था कि इसमें आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है, तो जब ये मैच्योर होती है तो इसमें से जितना भी वाटर है, पानी है, वो वाष्प बनकर निकल जाता है, और वाष्प बनकर निकलने की वजह से इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो इनकी वॉल्स पे प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, और जो इसकी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमियम, वो स्टोमियम जो सेल्स होती है उस जगह से ये फट जाती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है स्टोमियम सेल्स। तो यहाँ पर जो स्टोमियम सेल्स हैं ये फट जाती हैं और जितने भी परागकण इसके अंदर जो बने हुए हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पुंकेसर की संरचना या स्टोमेन और माइक्रोस्पोंजिया की।